अस्सलाम वालेकुम। तो आज का रिव्यू है मेरा एक पिज़्ज़ा के बारे में, जो कि है रेंचर्स का। रेंचर्स का नाम तो सब नहीं सुना होगा, आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, इंस्टा पे भी इसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो हमने एक डील ऑर्डर की जो कि हमें कॉस्ट की 2020 रुपये टोटल विद डिलीवरी, जिसमें थे 2 पिज़्ज़ा और 1 लीटर पेप्सी बोतल के साथ। फ्लेवर जो सजेस्टेड थे हमने उसके मुताबिक ऑर्डर कर दिया। एक मंगवा लिया हमने टिक्का फ्लेवर और दूसरा मंगवा लिया फजीता, जो कि इनके रनिंग आइटम्स हैं। तो सबसे पहले तो जब बॉक्स आया तकरीबन 45 मिनट्स की डिलीवरी के बाद, ये मैंने 1 मॉल से मंगवाया गुलबर्ग में जो है, और घर भी मेरा गुलबर्ग 2 में ही है। तो 45 मिनट्स के बाद ये हमें रिसीव हुआ। पिज़्ज़ा बिल्कुल फ्रेश थे, गर्म भी थे, और पिज़्ज़ा देख कर थोड़ा सा मैं जो है अजीब सा फील हुआ, क्योंकि इसकी जो डो थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी किनारों से अगर आप देखें। खैर एनीवेज हमने कहा चलें लेट्स ट्राई। तो जब मैंने ट्राई किया, सबसे पहले हमने किया टिक्का फ्लेवर को ट्राई, मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने। बताता चलूँ कि मेरे स्टूडेंट्स और मैं, हम तो तीनों ने मिल के ये पार्टी को इन्जॉय किया। तो जब हमने टिक्का फ्लेवर की पहली बाइट ली तो हमें आइडिया हुआ कि इसकी जो डो है वो किनारों से बिल्कुल फिल्ड है विद सॉस एंड चिकन, जो कि बहुत ही यम टेस्ट दे रहा था। ऐसा नहीं था कि ये मोटे होने के साथ टेस्टलेस थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। और पहला पिज़्ज़ा कहाँ गया, ये मीडियम पिज़्ज़ा था, कुछ पता ही ना चला, क्योंकि ये बहुत टेस्टी था। उसके बाद बात आ गई फजीता की, तो हमने जैसे मज़े ले लेकर टिक्का फ्लेवर इन्जॉय किया, उसी तरीके से हमने इन्जॉय किया इसका फजीता फ्लेवर। तो ये कम प्राइस में बहुत अच्छी डील है, जो कि मैं सबको रिकमेंड करने जा रहा हूँ। बिकॉज पिज़्ज़ा के टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो टेस्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग था इसका, क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने तो इसको बहुत इंजॉय किया इस गर्मी में, चिल्ड एसी के अंदर, चिल्ड पेप्सी के साथ। रिकमेंडेड।